अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसन वाली फ़िश कैसे बनाई जाती है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फ़िश के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 1 किलो मैं यहाँ पे फ़िश यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी अजवाइन और नमक लगा हुआ था, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा नमक यूज़ करेंगे। फुल टी स्पून गर्म मसाला, फुल टी स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, फुल टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी नमक, क्योंकि हम बेसन में भी नमक यूज़ करेंगे और फिश में भी नमक मौजूद है, 1 टेबल स्पून लेमन का रस। सबसे पहले हम इसके अंदर गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और लेमन का रस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारा मसाला फ़िश में अच्छे से लग जाए। सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ये देखें फ़िश पे मैं अच्छे से लगा लूँगी और इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर मैं बेसन तैयार करके उसके अंदर इसे फ्राई कर लूँगी। जिसके अंदर कट मौजूद है उसके अंदर हम अच्छे से मसाला भर लेंगे। फ़िश को मैंने मसाला लगा के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं बेसन में फुल टेबल स्पून सुरख मिर्च एंड हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि पानी डालने के बाद हमें मुश्किल ना हो। बेसन में मैंने मिर्च और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। 1 पाव मैंने बेसन यूज़ किया था इसमें और हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हम फिश ऐड कर देंगे। नॉन स्टिक तवा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें फ़िश का पीस रख दूँगी जिस पर मैंने अच्छे से बेसन लगा लिया था। ऑयल गर्म है, इसके नीचे हम फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब मैं इसे एक साइड से पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट एक साइड को मैंने इसके पकाया था, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। 1 साइड से इसका लाइट ब्राउन कलर हो गया है, अब मैं दूसरी साइड को भी 2 मिनट पकाऊंगी। इसकी दोनों साइडें तकरीबन पक चुकी हैं, लेकिन अंदर तक पकाने के लिए इसकी हम अगेन साइड चेंज कर देंगे और ये पीस हम साइड पर कर देंगे। इसके अंदर हम एक और पीस ऐड कर देंगे फिश का, अच्छे से इस पर बेसन लगा के। दूसरे पीस की भी हम साइड चेंज कर देंगे। हम फिश का ये पीस अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखेंगे अंदर तक पक चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी अलग से प्लेट में। और दूसरे पीस में भी थोड़ा सा टाइम है। ये फिश का पीस भी बन के तैयार है, ये देखें। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार फिश की रेसिपी बन के तैयार है। फिश के नीचे मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किए हैं ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाए। इसके साथ मैं पुदीने की और हरे धनिया की चटनी यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो इसके साथ केचप, रायता, मायोनीज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।